कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दो तरीके से निकलती है, एक निकलता है ऑफ बाऊ के नियम से, एक निकलता है ऑफ बाऊ, ऑफ बाऊ के नियम से, ठीक है, और एक निकलता है तुम्हारा बोर मॉडल से, एक निकलता है बोर के नियम से, ठीक है। हम पहले बात करेंगे बोर का नियम, जो ये बताता है 2, 8, 18, 32, जबकि ऑफ बाऊ नियम बताता है तुम्हारा एस पी डी और एफ, ये ब्लॉक बताता है, ठीक है। हम बात कर लें तो ये कक्षक होते क्या है, जैसे मान लें एक वर्ड्स आता है कक्षक, क्या आता है कक्षक, यानी कि ब्लॉक किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कक्षक, किसे कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो उसे हम क्या कह देते हैं, कक्षक कह देते हैं, क्या कह देते हैं, कक्षक। जहाँ इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा हो उसे हम क्या कह देते हैं, कक्षक कह देते हैं। अब हम बात करें, हमारे पास ऑफ बाऊ का नियम है, बोर का नियम है, ये दोनों ही हमें बताएंगे क्या चीज़ निकालना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अब वो कैसे निकालते हैं ज़रा देखो, ठीक है, कक्षक का डेफिनेशन मैंने बता दिया, बात करते हैं पहले बोर मॉडल का, बोर बात करते हैं पहले बोर नियम से, ठीक है, बोर नियम का। तो बोर नियम ने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था हमारे पास ये कोई कक्षक होते हैं, क्या होते हैं, कक्षक, और ये होता है नाभिक, ठीक है। इस नाभिक में देखो तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नाभिक होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने घूमेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन, और चौथा बना दो तो इसमें कितने घूमेंगे, ये है तुम्हारा चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंटिंग करते हैं किससे, के एल एम और एन से, ठीक है। अब यहाँ देखो तुम्हारे पास के एल एम और एन, इसको दिखाओ तो एक दो तीन और चार, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इस नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, घूमते हैं, इनकी एक स्थायी कक्षा होती है। तो इन्होंने कहा था यदि 2n² के अनुसार, 2n² के अनुसार, 2n² के अनुसार तुम्हें भी पता है कि यदि n=1 रखते हो तो 2n² में कितना हो जाएगा, 2×1² यानी कितना होगा, 2 होगा। यदि तुम n=2 रखते हो तो 2n² के अनुसार 2×2² यानी कितना हो जाएगा, 2×2=4, 2×8। यदि n=3 रखते हो तो 2n² के अनुसार 2×3×2, 3×2 कितना होता है, 9, 9×2=18। और n=2 यदि तुम रखते हो 4, तो 2n² के अनुसार कितना हो जाएगा, 2×4×2, 4×4=16, और 16×2 कितना हो जाएगा, 32। तो बोर मॉडल से कितना आया तुम्हें, देख रहा हो 2, 8, 18 और 32, देखो 2, 8, 18, 32, ये हमारे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बताते हैं कि किसी भी एलिमेंट को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और कितना इलेक्ट्रॉन देना है, ठीक है, ये बताएंगे 2, 8, 18, 32, ठीक है। तो 2, 8, 18, 32 से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो एलिमेंट को क्या बताएंगे कि हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और कितना इलेक्ट्रॉन देना है, वो ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। यह आ गया तुम्हारा किससे, बोर नियम से।